to the lighthouse. To the lighthouse में Virginia Woolf ने एक technique use की है, that is the stream of consciousness technique. और stream of consciousness technique के ऊपर जितने भी novels होते हैं ना, उसमें plot नहीं होता. मतलब कोई एक regular plot के ऊपर जो है वो कहानी नहीं होती, बल्कि कहानी without plot होती है. और वो यादों के सहारे एक कहानी बनी होती है, और इंसान जो भी कुछ कर रहा होता है वो उसके दिमाग में चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह बैठे हैं लेकिन आपके दिमाग में एक कहानी चल रही है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये कोई चीज लेके बैठी होती हूँ, या मैं कोई आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ, अचानक से मुझे याद आता है, अच्छा अच्छा ये जो Virginia Woolf है, अच्छा इसके जैसी मैंने वो एक दफा पास्ट में भी पढ़ी थी. ऐसी खातून हमारी फैमिली में भी थी एक, जिसकी ऐसी मेंटालिटी थी. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है फोर्थ बैक और जो है आगे पीछे इस तरह होती रहती है. हम अचानक से 10 साल पीछे चले जाते हैं, 20 साल पीछे चले जाते हैं, या हम अचानक से फ्यूचर के बारे में जो है वो अपने ख्यालात बुनना शुरू हो जाते हैं, या फिर हम लोगों के बारे में कुछ असेस करना शुरू हो जाते हैं. Virginia Woolf का टू द लाइट हाउस, जैसे हमने हार्ट ऑफ द डार्कनेस में पढ़ा कि वो कहानी है किसकी नजर से देखा गया, वो सारा मार्लो की जबानी लिखा गया. पीछे कॉनराड था, लेकिन मार्लो की आई से हमने पूरे जितने भी कैरेक्टर्स थे हमने वो देखे, और हमने उसमें एक यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट देखा कि यूरोपियंस जो हैं उनको क्या समझ आती है अबाउट द अफ्रीकन्स के वो कैसे हैं. तो मार्लो को जो समझ आई अकॉर्डिंग टू जोसेफ कॉनराड के, मार्लो एक शख्स था जो कि वहां पे गया, और उसने सेम इज द केस विद दिस नॉवल. इस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर एंड मिसेस रामजे का है, लेकिन ये कहानी बयान की गई है लिली ब्रिस्को की आंख से. ठीक है, लिली ब्रिस्को जो 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 चीजें देखती है पहले, वो मिसेस रामजे जो है वो देखती है पहले, उसकी आंख से दिखाया जाता है सारा व्यू पॉइंट. वो लोगों के बारे में कुछ ख्याल बयान करती है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली लिली ब्रिस्को. लिली ब्रिस्को के व्यू पॉइंट से क्या क्या चल रहा है, सबके माइंड में क्या क्या ख्यालात चल रहे हैं, एक्चुअली ये उस तरह का कुछ नॉवल है. और इस तरह के नॉवल्स की क्या कोई प्लॉट नहीं हुआ करता. ठीक है, जो कि ख्यालात की बिना पे एक नॉवल जो है प्रोड्यूस किया जाता है उसमें. और ये जो टेक्निक है इसका एक आप लोगों के सिलेबस में, एक तो द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एंड आफ्टर दैट Virginia Woolf, ये दोनों नॉवल्स जो हैं वो आप लोगों को, जो मेरा फर्स्ट बैच गया था उनको तो मैंने दोनों ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस करवाए थे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक करवाऊंगी और सेकंड फिर हम मीर निहाल वाला करेंगे. यहाँ पे देखिएगा, Virginia Woolf was born in 1882 in London. She was not given a formal education. Virginia's mother died when she was 13. This caused the first of several mental breakdowns. Virginia Woolf started to work as a tutor at Morley College in 1904 and wrote reviews for some books. Her reviews were published in the Times Literary Supplement. In 1905, she started meeting friends to discuss literary and artistic topics. Virginia Woolf also became a member of the People's Suffrage Federation and of the Women's Cooperative Guild. In 1912, Virginia married Leonard Woolf, who was a writer. 1 year later, Virginia suffered a deep mental breakdown. Her husband helped her to live through it. एक दिन जो है उसका deep mental breakdown होता है. अब देखिए, ये basically ना जब इंसान बहुत ज्यादा सोचों में, overthinking जो है ना इंसान को बीमार करती है. और जिन लोगों के मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं वो ओवरथिंक बहुत ज्यादा करते हैं. अगर एक मशीन के ऊपर आप बहुत ज्यादा लोड डाल देंगे ना, तो अल्टीमेटली वो जो मशीन है वो खराब हो जाएगी. इसलिए बेटा ये जो ओवरथिंकिंग है ना, इससे बचें, ये बड़ी बुरी बीमारी है. अच्छा जी, उसके बाद है, बोथ Virginia एंड हर हस्बैंड वर वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर. टुगेदर दे फाउंड द हॉगर्ड प्रेस इन 1917. ठीक है, Virginia और उसके जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में, और टुगेदर दे फाउंड द हॉगर्ड प्रेस इन 1917. इन 1927 कंपोज्ड टू द लाइट हाउस. Virginia Woolf बैटल्ड डिप्रेशन. ठीक है, इतना अच्छा नॉवल लिखने के बावजूद जो है वो थ्रू आउट हर लाइफ अपने डिप्रेशन के साथ फाइट करती रही. देखिए, बाय फेस पता चल रहा है डिप्रेशन का मरीज. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली
because of the overthinking और बहुत ज़्यादा जब हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना sensitive बहुत over sensitive हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये depression आते हैं. On March 28, 1941, she committed suicide by drowning herself. She was tormented by sound of grenades of First World War. ठीक है पहली जो World War थी उसकी वजह से वो mentally बहुत ज़्यादा disturbed हो चुकी थी. और टू द लाइट हाउस के अंदर भी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उस फैमिली के साथ क्या हुआ वो देखेंगे. इन हर लाइफ शी हैड पब्लिश्ड ओवर 500 एसेज एंड अबाउट 10 नॉवेल्स. वर्जीनिया वॉल्फ डिड नॉट यूज द ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल ऑफ हर टाइम. ड्यूरिंग हर टाइम वर्जीनिया हैड बिकम अ लीडर इन मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट. और अपने टाइम में वर्जीनिया जो है वो एक लीडर थी किसमें मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट. To the lighthouse plot के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. To the lighthouse does not have a traditional plot, but consists of series of experiences, memories, emotions, and feelings explained by symbol. अब देखें दो तीन questions इसके अंदर बहुत ज्यादा important है. To the lighthouse की critical appreciation क्योंकि उसका plot नहीं. अब वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन किस हिसाब से होती है ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस मेमोरीज इमोशंस और फीलिंग्स के हिसाब से और उसके अंदर सब जो मेंटल आपकी जितनी भी ये चीजें जो है एक्सप्रेस की जाती हैं वो थ्रू सिंबल्स की जाती हैं. दिस नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. नेक्स्ट जो आपको स्लाइड पढ़ानी है मैंने आपको इसके सिंबल्स के बारे में बताना है क्योंकि दैट इज बेसिकली अगेन अ सिंबॉलिक नॉवल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है प्लॉट नहीं होगा. तो इसको इसी हिसाब से देखिएगा कि जो बेसिकली इस पैटर्न है इस लाइट हाउस का इसको एज अ स्टोरी लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैम इसकी स्टोरी क्या है समझ नहीं आ रही. बेसिकली दैट इज द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस मेमोरीज इमोशंस एंड फीलिंग्स. जैसे हम बैठे बैठे कभी भी कोई बात शुरू कर देते हैं बात से बात निकल आती है कभी इररेलेवेंट भी बोल देते हैं. ठीक है तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे नजर आएंगी एक्सप्लेन्ड बाय सिंबल्स. और नॉवल को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है द विंडो व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ समर आफ्टरनून एंड इवनिंग इन अ समर होम ऑन द ईजल ऑफ स्काई इन हाइब्रिड्स. जो लोकेशन है इसकी वो ईजल ऑफ स्काई है और जो पहला सेक्शन है इसका द विंडो जो कि ड्यूरिंग समर आफ्टरनून एंड इवनिंग इन अ समर होम ऑन ईजल स्काई इन हाइब्रिड्स पे जो इसकी लोकेशन है सेटिंग्स हो द विंडो की वो यहाँ पे है. उसके बाद टाइम पासेस विच कवर्स अबाउट 10 इयर्स. टाइम पासेस इज द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस नॉवल जिसके अंदर 10 साल गुजर जाते हैं क्योंकि मेमोरी पे बेस किया गया है. 10 साल गुजर गए और उसमें जनरल आपको बताया जाएगा कि इस 10 सालों में हुआ क्या है और क्या चेंजेस आ गए हैं. द लाइट हाउस विच लास्ट ओनली वन डे. ठीक है एक लाइट हाउस नंबर 3 सेक्शन है जो कि एक दिन लास्ट ओनली वन डे. एक दिन में जब सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और उस लाइट हाउस तक वो फैमिली पहुंच जाएगी. लेट्स सी व्हाट इज द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइट हाउस. अब सबसे पहले जो है द विंडो के बारे में पढ़ते हैं जहां पे देख के ये मिसेस रामजे इस खिड़की की पे बैठा करती थी और वो जो है निटिंग किया करती थी. ये समंदर है ये उनके बच्चे यहाँ पे साहिल पे खेल रहे होते थे और फाइनली वो अपने ख्यालात में कुछ ना कुछ बुनती रहती थी इसकी शादी उससे करा दो यूं हो जाए तो ये करते हैं बच्चे आते हैं तो उनको बड़ा कंसोल करती हैं. शी इज अ वेरी केयरिंग एंड लविंग मदर जो हर किसी के घर में ख्यालात का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं कि किसी को किसी किस्म की ठेस ना पहुंचे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हैं. उनके जो हस्बैंड है मिसेस रामजे वो थोड़ा सख्त मिजाज किस्म का इंसान होता है जो कि इमोशंस की केयर नहीं करता. बट मिसेस रामजे इज टोटली ऑपोजिट. दैट्स व्हाई एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रामजे. अब देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस रामजे. ठीक है अब बेसिकली अब पीछे इतनी बड़ी खिड़की बनाने की या विंडो बनाने की क्या और इस चैप्टर का नाम भी द विंडो है. That is the window, the eye through which we see each and everything with the eye of Mrs. Ramsay. और जो आपका last section होगा ना to the lighthouse, your third part of the novel, वो हम देखेंगे with the eye of Lily Briscoe, the painter, the artist. ठीक है उसकी आंख से देखेंगे. अभी हम Mrs. Ramsay की आंख से सारे characters देखने जा रहे हैं the window, and that is Mrs. Ramsay who is sitting here and she is seeing the sea और वो अपने ख्यालात बुनती रहती है.
और हम उसी की आंख से देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना. मिस्टर एंड मिसेस रामजे पास देयर हॉलीडे विद देयर 8 चिल्ड्रन. ठीक है, छुट्टियां गुजारने आते हैं यहाँ पे 8 बच्चों के साथ. केम, जेम्स, प्रू, एंड्रयू, नैंसी, रॉगर, रोज, जैस्पर एट द हाउस बाय द सी. ठीक है, जो एक समंदर किनारे उनका कोई घर था जहाँ पे वो छुट्टियां गुजारने आते हैं. जेम्स द यंगर सन वॉन्ट्स टू डेस्परेटली टू गो टू द लाइट हाउस. अब ये पीछे विंडो है, ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट हाउस नजर आता है. ठीक है, और वो कहता है कि भाई मुझे, जेम्स कहता है कि भाई मुझे, जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो चाहता है कि किसी तरह हम इस लाइट हाउस पे चले जाएं. बट हिज फादर से दैट द नेक्स्ट डे इट वुड बी अ स्टॉर्म. उसका फादर उसको कहता है बेटा नेक्स्ट डे जो है एक बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, इसलिए हम लाइट हाउस नहीं जाएंगे. यानी कि वो फौरन से अपने बेटे को झटक देता है. देयर आर अ लॉट ऑफ गेस्ट एंड मिसेस रामजे एड्रेसेस देम विद रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस. द बॉटनिस्ट विलियम ब्लेक, सॉरी विलियम बैंकस, द पोएट ऑगस्टस कारमाइकल, a philosopher Charles Tansley, the painter Lily Brisco, and two lovers Minta Doyle and Paul Rayleigh. अब जो है इसके अंदर characters जो हैं वो कुछ यूं थे जो उस घर पे इकट्ठे होते हैं. basically ये तो अपने 8 बच्चों के साथ वहां जाते हैं, लेकिन वहां पे इनकी कुछ friends भी आते हैं और जो इनके साथ छुट्टियां गुजारते हैं, जिसमें एक botanist होता है Mr. Bankers, poet होता है Augustus Carmichael, एक philosopher है Charles Tansley और एक पेंटर है लिली ब्रिस्को और दो लवर्स हैं मिंटा डॉयल एंड पॉल रेले. दैट इवनिंग रामसे फैमिली हैज अ डिनर पार्टी एंड दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन इन विच ईच कैरेक्टर थिंक टू हिज सिचुएशन आफ्टर द डिनर. अब वो इवनिंग जो रामसे फैमिली जो है वहां पे जो इनकी डिनर पार्टी होती है वो एक परफेक्ट सिचुएशन में है, जहां पे हर कैरेक्टर जो है वो सोचता है टू हिज सिचुएशन, यानी कि अपनी अपनी सिचुएशन के बारे में. नॉर्मली हम लोग जब फ्री होते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा सा सोचने का, अपना तस्किया करने का टाइम मिलता है. नमाज क्या है? मेडिटेशन है ना. तो बेटा ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन ऑफ माइंड जो है डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है. इसलिए कहते हैं मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, बिकॉज जब हम फ्री होते हैं तभी तो हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, और अच्छा सोचते हैं या बहुत ही बुरा सोचते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर. लेकिन जब हम इस तरह की एक्सकर्शन पे जाते हैं, जब सब इकट्ठे होते हैं, स्पेशली समर ब्रेक होती है या विंटर ब्रेक होती है, उसमें जब फैमिलीज आपस में इकट्ठी होती हैं, तो उनको एक दूसरे में के बारे में सोचने का, समझने का, अपने किरदार, अपने एटीट्यूड्स के बारे में सोचने का, समझने का एक टाइम मिलता है. ठीक है, तो दैट इज द सिचुएशन जो यहाँ पे रामजे फैमिली को एक थोड़ा सा, उनको सबको अपनी अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचने का, एक प्रोफेशनल लाइफ से हट के जब आप एक समंदर किनारे आते हैं और कुछ जरा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करते हैं, तो फिर इंसान कुछ ना कुछ डिसाइड करता है और फिर कुछ ना कुछ वो सोचता है. एक्चुअली आज की जिंदगी में हम लोग क्यों इतने डिस्टर्ब हैं, हम अपने माइंड्स को रिलैक्स नहीं करते, हम मशीन बन गए ना. अब आप लिली ब्रिस्को को ही देख लें या जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, एंड में जाके सुसाइड कर लें. इतना ज्यादा अपने आप को ओवर थिंक एंड ओवर बर्डनाइज कर लेते हैं कि फाइनली लोग जो है अपनी लाइफ से उकता जाते हैं इतना काम करने के बावजूद, और दे गॉट सुसाइड. अच्छा जी, आफ्टर द डिनर मिस्टर रामजे सेज आई लव यू टू हिज वाइफ बट शी इज नॉट कैपेबल टू आंसर हिम. ठीक है, डिनर के बाद मिस्टर रामजे जो है इजहार मोहब्बत करते हैं अपनी बीवी से, लेकिन वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो उसका आंसर करती उनको, क्योंकि उनको आदत नहीं थी एक्चुअली अपने हस्बैंड से इतनी अच्छी अच्छी बातें करने की, सुनने की या करने की आदत नहीं थी उनको. बस जरा सख्त मिजाजी वाली बातें समझ आ जाती थी अपने मियाँ की, और नरम मिजाजी वाली समझ नहीं आती थी. टाइम पासेस, ठीक है, और वक्त गुजर जाता है जिसमें 10 साल गुजर जाते हैं. इन टाइम पासेस द चिल्ड्रन ग्रो अप. वॉर ब्रोक्स आउट, वॉर होती है. मिसेस रामजे डाई सडनली वन नाइट, और एक रात अचानक से मिसेस रामजे जो है उनकी डेथ हो जाती है. हर एल्डेस्ट सन एंड्रयू इज किल्ड इन बैटल बाय अ ग्रेनेड. ठीक है, वो उसका जो बेटा होता है, एल्डर सन होता है, वो किसी जंग में, उस जंग में वर्ल्ड वॉर वन में उसकी डेथ हो जाती है. एंड हर डॉटर प्रू डाइज टू आफ्टर ओनली अ ईयर ऑफ मैरिज. और प्रू की भी शादी के एक साल बाद ही
जो है डेथ्स हो जाती है, यानी कि खाली जंगों की वजह से डेथ्स नहीं होती, जंगों के वॉर्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर वो बहुत बुरे होते हैं, और उसके बाद ना तो हॉस्पिटल्स इस काबिल होते हैं कि मरीजों को जो है उनकी देखभाल की जाए, और बहुत सारी और मेंटल स्ट्रेसेस में लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं। उसके बाद जो है द समर हाउस फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ डिके फॉर 10 इयर्स, और वही समर हाउस जहाँ पे ये फैमिली कभी 10 साल पहले जो है छुट्टियां गुजारने आई थी, वो अब जो है स्टेट ऑफ डिके फॉर 10 इयर्स, मतलब वो स्टेट ऑफ डिके में आ जाता है, बिल्कुल ही उसकी हालत बुरी हो जाती है अंटिल द फैमिली कम्स बैक। 10 साल बाद जब वो फैमिली वापस आती है तब तक बुरी हालत हो जाती है इसी समर हाउस की। मिसेस मैकनाब द हाउस कीपर ट्राइज टू सेट द हाउस इन ऑर्डर बिफोर लिली ब्रिस्को रिटर्न्स, और मिसेस मैकनाब जो हाउस कीपर होती है वो कोशिश करती है ट्राइज टू सेट द हाउस कि वो किसी तरह इससे पहले कि लिली ब्रिस्को वापस आए तो वो कोशिश करती है कि घर सारा साफ सुथरा हो जाए। To the lighthouse, the third section, that is the lighthouse. Lighthouse, अगर आपने कभी कोई समंदर गया हो तो उसको lighthouse नजर आएगा। Lighthouse basically इस तरह का एक टावर होता है जिसके अंदर लाइट लगी होती है ताकि जो बहरी जहाज होते हैं ना वो बहुत दूर से अंदाजा कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई साहिल है, तो वहां से उनको पता चलता है कि दैट इज द लाइट हाउस और उनको यहाँ पे अपने लंगर डालने या जो भी है, तो दैट्स वाई वो जहाज जो है अपनी जो एक तरह से चांद के हिसाब से भी अपने वो कर रहे होते हैं, लेकिन दैट इज बेसिकली द लाइट हाउस जिसकी वजह से उन जहाजों को पता चलता है, उन शिप्स को पता चलता है कि हमारी मंजिल किधर है, और ये लाइट हाउस बेसिकली दैट इज द सिम्बोलिक, इट हैज मैनी सिम्बोलिक इम्पोर्टेंस इन दिस नॉवल, और वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इन द लाइट हाउस मेमोरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है, मेमोरी को एज अ कैरेक्टर दिखाया गया। मिस्टर रामजे डेडिकेट्स टू गो टू द लाइट हाउस विद हिज टू चिल्ड्रन जेम्स एंड कैन। मिस्टर जो रामजे है वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने दो बच्चे जेम्स और कैम के साथ जाएंगे, एंड दिस एक्सपीरियंस इज अ मोमेंट ऑफ कनेक्शन फॉर देम, और ये वो मोमेंट था जो कि मोमेंट ऑफ कनेक्शन था उनके दरमियान में, यानी कि बाप बेटों के दरमियान में या बाप और औलाद के दरमियान में कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और ये वो मोमेंट था जब वो जहाज सॉरी शिप पे बैठते हैं और लाइट हाउस जाते हैं, तो ये वो मोमेंट था जो कि एक्चुअली उनके दरमियान कनेक्शन का मोमेंट था। लिली सक्सीड्स इन फिनिशिंग हर पेंटिंग अचीविंग हर विजन, और लिली जो है फाइनली वो सक्सीड हो जाती है इन हर पेंटिंग अचीविंग हर विजन, और उसकी जो पेंटिंग जो है 10 साल पहले अधूरी रह जाती है वो जो है एंड पे जाके अपना विजन जो है वो अचीव कर जाती है। स्टार्ट ही कहानी यहाँ से होती है कि लिली ब्रिस्को एक पेंटिंग बनाती है और मिसेस रामजे उसे कहती है कि तुम ये पेंटिंग कंप्लीट करो, लेकिन लिली ब्रिस्को ये चाह रही होती है कि मैं कोई आम चीज नहीं बनाऊंगी, मैं कोई ट्रेडिशनल चीज नहीं बनाऊंगी, मैं वो लाइफ से कुछ चीज अचीव करके अपना विजन जो है कम्प्लीट होने का इंतजार करती है और वो उस पेंटिंग को बनाने की कोशिश करती है। जैसे हमने अमेरिकन लिटरेचर में आपको याद होगा जॉन एशबरी पढ़ा था और हमने देखा था कि वो एक पेंटर था और वो कहता है मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग नहीं करूंगा, वो एक समंदर किनारे खड़ा होता है, और हमने जॉन एशबरी के अंदर एक टेक्निक पढ़ी थी दैट इज द इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक एंड सेकेंड वन इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो एक्चुअली दैट इज बेसिकली द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के वो उन मेमोरीज को जोड़ते 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 फाइनली उसका विजन कम्प्लीट होता है तो वो पेंटिंग कम्प्लीट होती है जो उसने कभी समंदर के किनारे खड़े होके बनाने की कोशिश की थी। अब देखते हैं उसका विजन जो एंड में जाके कैसे पूरा होता है। एक्चुअली ये कहानी ही एक पेंटिंग की कम्प्लीट होने की है और एक फैमिली में किस तरह से रिकॉन्सिलिएशन होती है और वो किस तरह से अपनी उनकी असल मंजिल क्या थी, ये बेसिकली उस फैमिली की कहानी है। मिसेस रामजे वर्सेस मिस्टर वर्सेस लिली ब्रिस्को, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। अब देखते हैं कि मिसेस रामजे कौन है। मिसेस रामजे इज अ ब्यूटीफुल वीमेन एंड अ लविंग वाइफ, शी नोज काइंडनेस एंड टॉलरेंस टू हर गेस्ट इवन इफ दे डू नॉट अप्रिशिएट हर पोलाइटनेस। The image of Queen Victoria is related to Mrs. Ramsay is recurrent and reflects the ideal domestic angel of the Victorian age. Mrs. Ramsay जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और लविंग वाइफ है जो कि
अपनी काइंडनेस शो करती हैं और टॉलरेंस शो करती हैं अपने गेस्ट को, इवन अगर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं भी करता. एक्चुअली इंसान की जो नेचर होती है ना, इंसान वैसे ही जी रहा होता है. ठीक है, अगर आपकी पोलाइटनेस आपके कैरेक्टर का हिस्सा है ना, तो आप लोग जो है आराम से, मतलब आपको नहीं फर्क पड़ रहा होता कि कोई कुछ क्या बोलता है क्या नहीं, बिकॉज हम अपनी हैबिट पे जी रहे होते हैं. लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सख्ती होती है, बर्दाश्त नहीं होता, काइंडनेस नहीं होती, और उस वो थोड़ी देर तो एक्ट करेगा, ठीक है, एक दिन कर लेगा, दो दिन कर लेगा, तीसरे दिन फिर अपने उस पर आ जाता है कि यार कितनी दिन, कितने दिन हम अब ये पोलाइटनेस का जो है रोना रोए. तो वो फिर उस किरदार के ऊपर कायम नहीं रह सकते. तो दैट इज बेसिकली कि वो कोई उनको अप्रिशिएट करता था या नहीं करता था, लेकिन वो जो है अपनी टॉलरेंस शो करती थी. द इमेज ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन रिलेशन टू मिसेस रामजे इज रिकरेंट एंड रिफ्लेक्ट्स द आइडियल डोमेस्टिक एंजल ऑफ द विक्टोरियन एज. और मिसेस रामजे जो है वो रिफ्लेक्ट करती थी आइडियल डोमेस्टिक एंजल ऑफ विक्टोरियन एज को. मिसेस रामजे प्लेज दिस रोल ऑफ द आइडियल डोमेस्टिकेटेड फीमेल वेरी वेल, स्पेशली एज especially as hostess during a dinner party. Or Mrs. Ramsay jo hai ye role badi khoobsurti se play karti hain as a ideal domesticated female, aur especially jab wo ek hostess hoti hain ek party mein, yani ki wo khud jab host karti hain, wo party mehman nawazi karti hain, to us waqt unka character aur bhi zyada samne ubhar ke aata hai. Lily Briscoe kya hai? Lily Briscoe rejects the conventional image of the women represented by Mrs. Ramsay. लिली ब्रिस्को को रिजेक्ट कर देती है उस कन्वेंशनल इमेज ऑफ द वीमेन को जो कि रिप्रेजेंटेड है मिसेस रामजे, बट शी इज वेरी शॉक्ड व्हेन चार्ल्स टॉन्सले सपोर्ट्स द आइडिया दैट वीमेन कैन नाइदर पेंट और राइट. लेकिन वो बड़ी हैरान होती है कि चार्ल्स टॉन्सले जैसा फिलोसोफर जो है वो इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि वीमेन कुछ नहीं कर सकते. तो एक्चुअली मिसेस रामजे जो है वो एक ट्रेडिशनल वीमेन है जो कि बहुत लविंग है, केयरिंग है, और लिली ब्रिस्को एक प्रोफेशनल खातून है जो कि शादी नहीं करती एंड तक. वो एंड तक शादी नहीं करती, वो एक पेंटर होती है, और बेसिकली यहाँ पे एक पेट्रियार्चन सोसाइटी दिखाई गई है जो ये कहती है कि औरत तो कुछ कर ही नहीं सकती. शी डज नॉट वॉन्ट मैरी बट शी मैनेजेस टू पुट इन टू प्रैक्टिस मिसेस रामजे टीचिंग. वो शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जो है हर वो चीज जो मिसेस रामजे की प्रैक्टिसेस में थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनको अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहती थी. मिसेस रामजे रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ लाइफ फॉर हर, और मिसेस रामजे को हमेशा जो है उनकी टीचिंग्स को वो फॉलो किया करती थी, और वो उसके लिए एक एग्जांपल फॉर लाइफ थी. सो व्हेन शी एक्सप्लेन्स हर पेंटिंग, सॉरी कंप्लीट्स हर पेंटिंग, शी यूनाइटेड विद हर. ठीक है, तो जब वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है, एक्चुअली उसको उसका विजन उस दिन कंप्लीट होता है जो मिसेस रामजे 10 साल पहले उसको एक बात समझाती हैं, उसको 10 साल बाद जाके विद द पैसेज ऑफ द टाइम उसको ये बात समझ आती है. नॉर्मली हम अपने रिश्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं मैंने उसको कहा और वो आज ही बदल जाए. तो आपने जो अपना काम है ना वो तो कर लिया, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच. ठीक है, एक वक्त आता है, एक वक्त जरूर आता है, चाहे उसको 10 साल लगे, 12 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जो है ना एक्चुअली दैट इज द बेस्ट टीचर. विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें बहुत सारी बातें समझ आती हैं. हर इंसान जो है ना उसका विजडम लेवल, उसका लेवल ऑफ परसेप्शन दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं. अब जब आप टू द लाइट हाउस पढ़ेंगे आप देखेंगे हर बंदे की परसेप्शन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है और सबके ख्यालात दिखाए जा रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा ड्रामास के अंदर जो है, स्पेशली वो जिंदगी गुलजार है, अगर किसी ने ड्रामा देखा हो, मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने बताया था कि मैम उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई गई थी, और उसमें ये था कि कैरेक्टर्स वैसे बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बैक में उनके, जिनको सोलिक वॉय कहते हैं, बैग में उनके जो दिमाग के अंदर एक उनकी कहानी चल रही थी, वो जिंदगी गुलजार है में दिखाई गई थी. तो बेसिकली दैट वाज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल. तो
That's why वो फिर मैंने उसके एक दो क्लिप्स देखे थे और बाकी वो इसी तरह का कोई ड्रामा था कि उसमें वो जो बीवी होती है वो एसेस कर रही होती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है और हस्बैंड भी दिमाग में ये एसेस कर रहा होता है कि मेरी बीवी ऐसी है लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं करते. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा. और फाइनली वही बातें जो मिसेज उन बातों से जिससे ये लिली ब्रिस्को थ्रू आउट द नॉवल वो ये कहती रहती है कि नहीं मतलब वो ट्रेडिशनल वेज को नहीं एक्सेप्ट करती. फाइनली उसको फिर रिकॉन्साइल कर जाती है ये मिसेज रामजे के साथ और फाइनली ये देखती है कि वो जो फैमिली है वो टू द लाइट हाउस पहुंच चुकी है. थीम्स देख लेते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस नॉवल्स आर लॉस. ठीक है मिंटा लॉसेस आर रूच ऑन द बीच. रामजे फैमिली लॉसेस सम ऑफ इट्स मेंबर्स. आर्ट Also, women can do art. ठीक है आर्ट के बारे में कि women भी जो है वो एक आर्टिस्ट हो सकती है. Transience, ठीक है nothing last. कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती. But Mrs. Ramsay does not want that her child grow up. और Mrs. Ramsay नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे बड़े हों. Transience जो है that is the opposite of the permanence. ठीक है permanence यानी कि हर चीज जो है वो change हो जाती है transient होती है और मतलब जिंदगी के बाद मौत है वक्त जो है वो गुजरता रहता है. सर्च फॉर गॉड एंड फॉर द ट्रू मीनिंग. यूज ऑफ कलर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा है. वाइट जो कलर है द एब्सेंस ऑफ कलर सिंबलाइजेस द अनकलरफुल मीनिंग ऑफ साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट. ये जो वाइट कलर है ये एब्सेंस ऑफ कलर जो है वो सिंबलाइज करेगा द अनकलरफुल मीनिंग ऑफ साइंस और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को. रेड एंड ब्राउन अपीयर टू बी कलर ऑफ इगोटिज्म. ब्लू एंड ग्रीन आर द कलर्स ऑफ इम्पर्सनैलिटी. येलो प्योरिटी ऑफ एवरीथिंग एंड लॉजिकल मेंटल एक्टिविटी. ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस देख लेते हैं इसमें. हर विजिट्स विद हर पेरेंट्स एंड फैमिली टू सेंट लिविस सेंट आइव्स कॉर्नवॉल where her father rented a house were perhaps the happiest times of Woolf's life. But when she was 13, her mother died and like Mrs. Ramsay. ठीक है अब देखते हैं autobiographical elements इस novel के अंदर क्या हैं जो कि Virginia Woolf की life से relate करते हैं कि ये actually to the lighthouse represent करता है उसके visit को with her parents or family to St. Ives. कॉर्न वॉल जहाँ पे उसका फादर जो है एक हाउस किराए पे लेता है और शायद ये हैप्पीएस्ट टाइम्स थे वर्जीनिया वुल्फ के. लेकिन उसकी जो मदर होती है उसकी अचानक से डेथ हो जाती है जब वो 13 इयर्स की होती है लाइक मिसेस रामजे. वुल्फ सिस्टर वैनेसा रॉड दैट रीडिंग द सेक्शन ऑफ द नॉवल दैट डिस्क्राइब मिसेस रामजे वॉज लाइक सीइंग हर मदर रेज फ्रॉम डेथ. ठीक है और डिस्क्राइब वो जो है जब वो उसकी बहन ये कहती है वैनेसा के रीड करते हुए वो जब कहती है कि उसने ये लिखा था कि जब मैंने ये नॉवल रीड किया तो ये डिस्क्राइब करता है मिसेस रामजे को जैसे वो अपनी मदर को देख रही हो रेज फ्रॉम द डेड. ये हम लास्ट सेक्शन में जाके पढ़ेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या हुआ था. देयर ब्रदर एड्रियन वॉज नॉट अलाउड टू गो ऑन एन एक्सपेडिशन टू गॉड रवे लाइट हाउस बट जस्ट एज इन द नॉवल James looks forward to visiting the lighthouse and is disappointed when the trip is cancelled. Uska jo bhai tha usko bhi lighthouse jane ki permission nahi mili thi just like the James. Lily Brisco meditations on paintings are a way for Woolf to explore her own creative process. Aur Lily Brisco actually represent karegi ab Virginia Woolf ko aur jo ke uski meditations hain on painting wo ek way hai jo एक्सप्लोर करती हैं उसकी अपनी वर्जीनिया वुल्फ की अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को. मॉडर्न नॉवल देखते हैं. द मॉडर्न नॉवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्सन हु मेड द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल टाइम एंड जेम्स. इन दिस केस टाइम वाज नॉट सीन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑल आवर थॉट्स हैव इललॉजिकल कनेक्शंस इन द माइंड. द न्यू थियोरी ऑफ unconscious delivering from Freudian influence. ठीक है अब ये जो new theory थी of unconscious deriving from the Freudian influence, novelist is rejected omniscient narration.
the analysis of characters' inner works influenced by simultaneous existence of different levels of consciousness and subconsciousness. Again, subconsciousness and consciousness ke different levels ke upar hum inke characters ko dekhenge. Stream of consciousness. Aapko maine heart of the darkness mein kitne levels padhaye the consciousness ke? 3 levels padhe the. Kaun kaun se the? Haan ji class. Kaun se hote hain mind ke kaun kaun se levels hote hain bataiye. Kera? Kya hota hai journey? Ma'am, conscious from ये कॉन्शियस से सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फिर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है इमेजिनेशन तक. ठीक है. एक इंसान का जो है कॉन्शियसनेस होती है, देन सबकॉन्शियसनेस होती है, और फिर उसकी इनर कॉन्शियसनेस होती है जिसको दैट लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है. तो दैट इज बेसिकली यहाँ पे हम एक और कॉन्शियसनेस पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. और ये भी एक्चुअली वही कॉन्शियसनेस के जो माइंड की डिफरेंट स्टेज है जिसमें हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकरीबन वही चीज आ रही है. लेकिन इसमें देखेंगे इसमें इंटीरियर मोनोलॉग होता है. सब कॉन्शियस हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारा फेथ होता है ना, और ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही होती, और कॉन्शियस वो होता है जो हमें आंखों से नजर आ रही होती, जो मेरे सामने होता है. सब कॉन्शियस में मेरे फेथ, मेरी ड्रीम्स, मेरे आइडियाज, मेरे इमोशंस, ये सब सब कॉन्शियस है. But what is the stream of consciousness? That is the chain of memory and the chain of the thoughts. ये तीन levels पढ़े थे, अब ये चौथे पे भी आ गया. और ये सारी जो mental theories हैं ना, ये ज़्यादातर Freudian theories हैं. ठीक है? अब that is the chain of events कि इंसान अपने chain of events पे base करते करते अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जाता है. और यहाँ पे देखें the stream of consciousness technique or interior monologue, isko interior monologue, monologue kise kehte hain, khud se baatein karna, aur interior monologue jo aapki chain of thoughts, chain of memories hain uski baat, was introduced to describe the flow of thoughts. Isme hum ye kis liye interior monologue ya stream of consciousness technique dono ek hi cheez hai. Question aksar aata dono tarike se aa jata hai, dono ek hi cheez hai. Aur ye describe karta hai the flow of thoughts, sensation, memories in a flux of words, ideas and images similar to the mind's activity. और ये क्या है? Describe करता है flow of thoughts को, sensations को, memories in a flux of words. ठीक है? और ideas आपके, और images, symbolic novel है, through images जो आपको नजर आ रहा है और वो आपकी memory का part बन रहा है. ठीक है? और आपके mind के ऊपर कुछ images छप जाते हैं. वो सारी उम्र जैसे लिली ब्रिस्को के जहन पे मिसेज रामजे और लाइट हाउस का इमेज एक छप गया था, उसको पता था मैंने पेंटिंग कंप्लीट करनी है. सिमिलर टू द माइंड्स एक्टिविटी, और ये सब होते हैं सिमिलर टू द माइंड ऑफ सिमिलर टू द माइंड्स एक्टिविटी. इट्स द अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेंटल लाइफ फ्रॉम विद इन, और ये एक अटेम्प्ट है जो डिस्क्राइब करती है नेचर ऑफ मेंटल लाइफ फ्रॉम विद इन, जो आपके अंदर के साथ आपका बाहर रिलेट करती है. ठीक है? और बेस्ट इंसान कौन होता है? जो अपना फ्रेंड खुद होता है, जिसको पता होता है मेरे अंदर क्या है. वो एक शेर है ना, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. अब आपको पता चलेगा व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. लिली ब्रिस्को एंड में उसको अपने मन का पता चल जाता है, उसकी पेंटिंग उस दिन कम्प्लीट होती है, उसका विजन ऑफ लाइफ उस दिन कम्प्लीट होता है. कहने को कहानी कुछ यूं है कि एक फैमिली है, आठ वो जो है आठ बच्चों के साथ वहां आती है, कुछ फ्रेंड्स आते हैं. एंड में क्या होता है जी, लिली ब्रिस्को जो है उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है. तो स्टूडेंट्स फिर कहते हैं मैम ये कौन सी कहानी है? दैट इज नॉट द स्टोरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ माइंड, दैट इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज द स्टोरी ऑफ द फ्लो ऑफ थॉट, सेंसेशन, मेमोरीज इन द फ्लक्स ऑफ वर्ड्स, आइडियाज एंड इमेजेस. दैट इज नॉट द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर. इसके अंदर मेमोरी को एज अ कैरेक्टर लिया गया है, बिकॉज इसका कोई प्लॉट नहीं है. ये चीज याद रखिएगा, memory is described here as a character, interior monologue is described here as a character, not the all the characters itself. To iske andar main role jo hai wo memory play karegi, character nahi play karega. Theek hai? To thoughts aur memories role play karengi, characters beta yahan pe role play nahi karenge. Is wajah se is tarah ke novels ka plot nahi hua karta. Acha, uske baad hai symbolic importance hai novel ki.
वो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हम पहले इसके सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री सेक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। क्लास में मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा आइएगा क्योंकि ये मीटिंग वैसे ही एंड होने वाली है और आधे रास्ते में बंद हो जाएगी।